गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फोर आईक्यू में। करंट अफेयर रिवीजन क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम के 2 या 3 दिन से इस बचे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा उपग्रह यानी सैटेलाइट्स जो हैं वो अब हो गए हैं 82। स्टर्न यानी शनि उपग्रह के, ठीक है, और पहले थे बृहस्पति के, ठीक है। तो अभी कुल मिलाकर ये 82 हो गए हैं, पहले नए 20 जुड़े हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ साइंस रिलीजन एंड फिलोसफी 2019 समिट जो हुई है वो हैदराबाद में हुई है। भारत की विकास दर अक्टूबर 2019 की बात कर रहे हैं हम, तो ग्रोथ रेट वर्ल्ड बैंक ने जो अनुमानित की थी वो 6.1%, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 7.2%, मूडीज ने 5.8% और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 7%, ठीक है। क्रिस्टिया जॉर्जीवा IMF की भी नई चीफ बनी है, ये भी आपको याद रखना है। विश्व बैंक में पैसा रखने के मामले में सबसे ज़्यादा ब्रिटेन के लोग रखते हैं। भारत की रैंक 71वीं है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है भारत और यूरोप वित्तीय बैठक रूस में हुई। देशों में धन प्रेषण यानी फॉरगन रेमिटेंस, यानी विदेश में भारत के कोई व्यक्ति किसी देश का विदेश से पैसा कमाकर अपने देश को देता है, तो उसमें पहला स्थान भारत का ही है, ठीक है। भारत के लोग विदेश से पैसा कमाकर ज़्यादा लाते हैं विश्व के अन्य देशों के मुकाबले। नेक्स्ट अपराध रिपोर्ट 2019, ठीक है, ये जारी की थी NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने, और 2016 की तुलना में 3.6 की इसमें इस बार वृद्धि हुई है, जिसमें IPC के सर्वाधिक मामले हैं। UP में भ्रष्टाचार के सबसे ज़्यादा मामले आए हैं सामने महाराष्ट्र में, और महिला अपराध भी नंबर एक पर, सबसे ज़्यादा अपराध जो हुए हैं वो महिलाओं के साथ हुए हैं। साइबर क्राइम भी यूपी में सबसे ज़्यादा मामला दर्ज हुए हैं, और बच्चों के विरुद्ध भी यूपी में ही सबसे ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं। महारत्न कंपनी अब 10 हो गई हैं, जिसमें 2 अभी ऐड हुई हैं, एक HPCL एक PGCIL, ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 कर्नाटक बड़े राज्यों में नंबर एक पर है, सिक्किम उत्तर पूर्वी राज्यों में है नंबर एक पर, और दिल्ली जो है वो आपके यूटी स्टेट में पहले नंबर पर है। उत्तर प्रदेश का स्थान 7वां है। डूइंग बिजनेस 2020 में भारत 63वें स्थान पर आ गया है, और 71.0 अंक इसको मिले हैं। उसी बेसिस पर इसकी रैंक निकली है 63 2020 की, इससे पहले 67 थी 2019 की। और पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है, सबसे लास्ट में है सोमालिया, ठीक है, और भारत के 14 अंकों की सुधार हुई है। अगर बात करें 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो अभी अक्टूबर नवंबर में प्रकाशित हुई है, तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेदकर ने इसको, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जो हैं उन्होंने, प्रकाश जावेदकर जी ने जारी की है। और सबसे पहले 1987 में इसको जारी किया गया था। देश में जो वन एवं वृक्षारोपण है वो 80-72-76 वर्ग किमी है, इसको याद रख लेंगे डिजिट को। और ये बस आपको इतना याद रखना है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56%, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा वनावरण जो वृद्धि हुई है वो कर्नाटक में हुई है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वनावरण जो है वो मध्य प्रदेश पर है। वृद्धि कर्नाटक में हुई है परसेंटेज की बात करें तो, और सबसे ज़्यादा एरिया वाइज बात करें तो MP पर, उसके बाद फिर अरुणाचल, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत जो हुआ है वो हुआ है मिजोरम में, मतलब जहाँ पर है, मतलब पूरी लैंड में सबसे ज़्यादा वहाँ पर प्रतिशत के मामले में देखें तो 85% वहाँ पर वन ही वन है। उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण जो है वो है 14,806 वर्ग किमी, यानी 6.15%, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और सर्वाधिक मैंग्रोव राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल में है, जहाँ पर 42.5% है, ठीक है। और गुजरात में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है इसी को लेकर। और देश का कुल बांसधारी क्षेत्र जो है वो है 1,60,037 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको बताए। 12वीं आसियान देशों की रक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई है 2018 में, वो सिंगापुर में हुई है, ठीक है, इसको याद रखना है। 100 रुपये से अधिक मूल्य वाले भारतीय नोटों का चलन पर रोक नेपाल में हो गई थी, इसको याद रखना है। तुर्की में 2018 में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया इस्तांबुल में।
हास्य लेखक निधन हुआ है स्टैनली का। अरावली पहाड़ी जो है वो है गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में। कांच उद्योग संबंधित है फिरोजाबाद से। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो है उत्तर प्रदेश में इज्जत नगर बरेली में है। आईटीआई बीएचयू स्थित है उत्तर प्रदेश में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध प्रोडक्शन से, ठीक है, दूध उत्पादन से। सामाजिक उद्यमी पुरस्कार 2018, ये 2018 का हम लोग छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके शायद मुझसे कम आए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 एवं बम्बई में की गई थी। बीपी चंद्र पहले अध्यक्ष थे। इसरो मुख्यालय बेंगलुरु में है। 106वीं इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम थी भावी भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तपेदिक कारक है बैक्टीरिया। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बैरोमीटर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक है बीबीआर लक्ष्मण की। यूपीएससी अध्यक्ष अरविंद सक्सेना। आप मुझे कमेंट में बताइएगा यूपीएससी किस आर्टिकल में। विश्व मुक्केबाजी चैंपियन सिंह 6 स्वर्ण पदक विजेता मिजोरम सॉरी मैरीकॉम है, इसको याद रखना है आपको प्लीज़। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के गोल्डन पिकॉक अवार्ड डॉन बास। नेक्स्ट, एकल आपातकालीन नंबर अब लॉन्च कर दिया गया है 112 हिमाचल प्रदेश का और यूपी का भी यही हो गया, ठीक है, ये भी याद रखना। राष्ट्रीय मतदाता थीम 2019 थी नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। हिंदी की तीसरी आधिकारिक भाषा रूप में शामिल अबू धाबी न्यायालय में। गीत गोविंद लेखक है जयदेव ने लिखी है। इंडियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड मलिला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, इतना याद रखना है। एशिया फुटबॉल कप 2019 का विजेता कतर है। विजय हजारे ट्रॉफी 2018-19 मुंबई ने जीती है। भारत चीन संबंध के मध्य मनमोहन रेखा है। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ और डोरत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आर्टिकल फाइवर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। पेनिसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपको पता है बम्बई में हुआ, विमलचंद बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की। दूसरा कलकत्ता में हुआ दादाभाई जनौरोजी ने। तीसरा बद्रुद्दीन तैयब जी ने चिन मद्रास में। और चौथा आपका जारजुल्ले ने इलाहाबाद में। डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र से। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में होती है और 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय एनडीए ने रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। सुषमा स्वराज जी का निधन हो गया, अरुण जेटली जी का हो गया, मनोहर पारिकर जी का हो गया और शीला दीक्षित का, इन लोगों का निधन हो गया, तो प्लीज़ याद रखें। भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 हिंदी किस 2018 हिंदी क्षेत्र में किसे मिला है, चित्रा मुदगल को। सांख्य दर्शन के प्रेरणा तो कपिल मुनि, ये क्वेश्चन बहुत आता है प्लीज़ इसको जरूर याद रख लेना। 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी मिताली राज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को हो गया है। नीली क्रांति मत्स्य पालन खेलो यूथ गेम्स 2019 पुणे में आयोजित हुए, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन इसका हेडक्वार्टर जेनेवा है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार फ्लोरो क्लोरो फ्लोरो कार्बन सीएफसी। गणतंत्र दिवस 2019 के मुख्य अतिथि सिरिल रामफोसा जो दक्षिण अफ्रीका के, ये 2019 के थे, ठीक है। अब मैं 2020 की बात करूँ तो वो हैं बोल्सोनारो ब्राज़ील के, ठीक है। यूनेस्को की सदस्य किसने त्याग किया, तो ये दो देशों ने, यूएसए ने और इसराइल ने यूनेस्को की सदस्यता मेंबरशिप छोड़ दी है। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वे बाय इंडियन रेलवे द्वारा निकाला गया, तो पहले स्थान पर जो सबसे स्वच्छ स्टेशन घोषित किया गया जयपुर को, नंबर दो पे जोधपुर है। मैन बुकर अवार्ड 2019 जोकर आरती को मिला है। बुक सेलेस्टियल बॉडीज के लिए रमन मैक्सेसे 2019 रमन रवीश कुमार जो भारत के हैं। अग्र खाना नीलापाई जी थाईलैंड के हैं। किम योंग की दक्षिण कोरिया के हैं। को स्वी विन ये वर्मा के हैं, यानी व्यामार रूमंडो पुजाते ये फिलीपींस के हैं, इन लोगों को मिला है, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। 6-5 लोगों को। प्रकाश पोर्टल किससे संबंधित है, ऊर्जा मंत्रालय से, तो इसकी फुल फॉर्म है पावर रेल कोयला एबिलिटी थ्रो सप्लाई हार्मनी। ऑनलाइन ट्रैकिंग करते हैं, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाया गया, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में सैन्य अभ्यास है 2019 में हिमाचल प्रदेश में हुआ। हिम विजय भारतीय सेनाओं तक का अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास था जो पहाड़ों यानी पर्वतों पर हुआ, जिसमें जल थल वायु सेना तीनों शामिल थी अरुणाचल प्रदेश में। चिकित्सा नोबेल 2019 जो मिला है वो काइलिन पीटर और रेमेंजा को मिला है, ठीक है, इतना इसको याद रखना है। नोबेल पुरस्कार तो प्लीज़ आप लोग तैयार कर ही लें। वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 सिंगापुर पहले स्थान पर है, भारत 68वें स्थान पर है। 2019 की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। मो सरकार स्कीम है ओडिशा से संबंधित है, ठीक है। शांति का 2000 नोबेल मिला है अली अहमद अभी अहमद को जो इथियोपिया के
राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके करंट अफेयर के रिवीजन क्लास में। आई होप आपको पसंद आया होगा, और आपके दो तीन बचे इन वीडियोस को आप सारी देख लीजिएगा जो एपीओ प्लेलिस्ट की हैं। थैंक यू सो मच।